Be ready for a great journey with Melodious Companion. टॉक शो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं डॉक्टर अबरार उमर के साथ अपने पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से। हर मंगल की शब आपसे मुलाकात होती है इस प्रोग्राम में और इसमें हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से। आज हमारा टॉपिक है, मौजू है कि बेसिक नेसेसिटीज जो इंसानी जिंदगी की हमारी जरूरियात हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, खाना, वाटर जिसको रोटी कपड़ा और मकान भी कहते हैं, बुनियादी जरूरतें इंसान की, इन जरूरतों के हवाले से हमारी कमी वाक़ हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह है, इसका क्या मुस्तकबिल है और इस वक्त जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज का क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, गैस का है, वाटर का है, फूड का है, इसमें हेल्थ भी अगर आप ले लीजिए ये भी हमारी नेसेसिटी है, तो रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ आपकी जो सेहत है उसके भी मसाइल हैं, तो ये कब तक, क्यों और ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें बात करनी है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। कुछ बातें होती हैं बड़ी जज्बाती हम करते हैं, कुछ तदबीर के साथ बात होती है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं डॉक्टर अबरार उमर के साथ। इस प्रोग्राम में आपने जनाब हमें कॉल करना है 111111100 पर और इस प्रोग्राम का डिस्क्लेमर ये है कि जो भी बात आप करेंगे जरूरी नहीं कि इदारा आपकी बात से मुत्तफिक हो, लेकिन आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर अबरार उमर के साथ एफएम पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज हमारा मौजू है कि इंसानी जरूरियात जो बुनियादी हैं उनमें फुकदान है, उनके मसाइल खड़े हो गए हमारी सोसाइटी में, समाज में, और इनमें आप सेहत ले लीजिए, खुराक का मसाइल है, पानी सही नहीं मुयसर, गैस और बिजली का, और ये जो बहरान है इनको कैसे हल किया जा सकता है, इसकी क्या वजूहत हैं, किस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इस पर बात होनी चाहिए 111111100 पर, मुकदमा होना चाहिए, आपकी राय से इदारे का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें 051111111100 पर। टॉक शो प्रोग्राम डॉक्टर अबरार उमर के साथ। जनाब बेसिक जरूरियात जो इंसानी जिंदगी की हैं, बिजली हो गई, गैस हो गई, पानी, खाना, सेहत, हमारी सोसाइटी के बुनियादी मसाइल भी अभी हल नहीं हुए, लेकिन हम तरक्की की बात करते हैं और तरक्की की बात तो वैसे हमें करनी चाहिए। देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है 111111100 पे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद दुहराम इस्लामाबाद। जनाब शाहिद साहब, बड़ा दुखती रथ पे हाथ रखा है आपने आज। जी जी। अच्छा, असल में देखा जाए तो पानी, बिजली, गैस, खुराक, ज़राअत, इन चीजों की हमारे मुल्क में शॉर्टेज नहीं है, कमी नहीं है, या मना कह सकते हैं कि है ही नहीं है, ये नहीं मना कह सकता। सही। जी हमारे पास है ही नहीं कुछ भी, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास। आप अगर आप बिजली को सिर्फ लें ना, पहले बात आपको मतलब ये मसनूई किल्लत है, मसनूई किल्लत है, सब कुछ है अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, अब उसको जनरेट करना निकालना तो आपका काम है। सही है। अच्छा, बिजली की तरफ अगर आप आए तो आपके पास जो थरकोल का प्रोजेक्ट है जी जी, उसमें उसका जो एनर्जी लेवल है वो ईरान और सऊदी अरब के तेल के एनर्जी लेवल से ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। जी जी। और उसकी कन्वर्जन जो थर को उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, अब वो बड़ा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, उसको जमीन से कोयले को निकालना नहीं है, बहुत बड़ा महंगा काम है ना, पहले उसको निकालें, फिर उसको जनाब लेके जाए, फिर उसको कन्वर्ट करें, फिर जाती एनर्जी मिलेगी आपको, वो जमीन के अंदर ही आजकल उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहीं पे जहां वो सोर्स है उसका, उसी गैस को निकाल के आपकी टर्बाइन चलती है और बिजली पैदा हो रही है। वो इतना सस्ता मंसूबा है कि 1.5-2 रुपये उसकी कास्ट है सिर्फ, और उसको इनिशियली चंद अरब, 5 से 6 अरब रुपए में वो शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, अब दूसरा मसला आता है आपके पास पानी का। पानी का
مسئلہ حل کرنے کے لیے پلاننگ چاہیے کم از کم 10-15 سال پرانی پہلے کہ بھی ہمارا آنے والے دنوں میں کیا کتنا ضرورت ہے پانی کی اور کتنا استعمال ہے, کتنے ڈیم بننے ہیں, کہاں کہاں بننے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کی چیز کی طرح سوچ تو پیدا ہو لیڈروں میں کہ بھی ہم نے پانی کا ہمیں چاہیے کتنا اور کہاں ہم نے ڈیم بنانے ہیں. اب انڈیا آپ کے سامنے ہے, وہ بڑے آرام سے چپ چاپ آپ کے پانی کے جتنے ریزروائر ہیں اس کے اوپر ڈیم بنا رہے ہیں. حالانکہ سارے معاہدے ہوئے ہیں, زین پاس ہیں, سارے ڈیوٹیز ہوئی ہوئی ہیں, لیکن وہ ان کو بالکل بلائے پاس رکھ کے اس کو کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی. پتہ ہے ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں, ہمارے اور ہی مسئلے ہیں, ہمیں کہاں توجہ دینی ہے, ہم نے پانی پہ پانی کو بھی دینا ہے. وہ ہمارے تمام پانی کو سورس کو روک کے ڈیم بنا رہا ہے. اور یہ اور 10-15 سال کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے انڈیا سے پانی آتا ہوا مختلف دریاؤں میں, یہ بھی نہیں آئے گا. حالانکہ یہ سری خلاف ورزی ہے معاہدوں کی. ہاں ہمارا وہ, لیکن آپ کا مطلب وہ کرے گا انڈیا تو اس میں بالکل کرے گا, وہ کر سکتا ہے. جب کمزور ہو نا سامنے, اسے پتا ہو کہ پاکستان میرا کیا بگاڑ لے گا, شور کرے گا زیادہ, وہ تو کوئی نہیں ہے. وہ اپنا سارے معاہدے توڑے گا اپنے اور اپنا, اس کو پانی چاہیے اس کو پانی لے گا وہ. اب اس کے لیے جب مذاکرات ہوتے ہیں ہمارے وہاں جا کے انڈیا کے ٹیبل پہ بیٹھ کے, وہاں جو مختلف نام میں کسی کا نہیں دیتا, وہاں بیٹھ کے وہاں کمیشن مل جاتی ہیں ان کو, ان کو پیسے مل جاتے ہیں, وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف وہاں سودا کراتے ہیں, وہاں معاہدے کراتے ہیں ان سے. یہی ساتھ بی جی میں یہی چیز آپ کی پیٹرولیم اور گیس میں ہے. پاکستان میں اتنے گیس کے سورسز ہیں, اتنے پیٹرول کے کنویں, تیل کے کنویں سورسز ہیں, وہاں جب کوئی نکلتا ہے تیل, جہاں سے کوئی سورس گیس کا نکلتا ہے, وہیں فارن کمپنی آ کے اس کو کمیشن دے کے پیسے دے کے برائب کر کے اس کو چپ کرا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں سے نہیں نکالنا آپ. آپ کی جو بلوچستان کا علاقہ ہے پورا, وہاں پہ تیل اور گیس کے اتنے ذخائر ہیں, وہ ایران کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن جب میں آگ وہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا آپ آ جائیں گے, ایسی خیر صاحب یہ پکڑے نا اتنے لال ڈالر, تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. وہاں ہم جا کے معاہدہ کر لیتے ہیں, ملک کو ہم بیچ دیتے ہیں. پانی بجلی گیس اس چیز کی کوئی شارٹیج نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جب چیزیں آپ کے پاس سیدھی ہو جائیں گی تو زراعت اور کھانے کی چیزیں خود بخود آ جائیں گی. ہم کالا باغ ڈیم ایک بننا تھا, کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے, آج سے نہیں میں 40 سال پرانا منصوبہ ہے وہ. وہاں گھر بن گئے, زمین ایکوائر ہوگی, سب کچھ مشینری وہاں پہنچ گئی. اس کو ایسا انہوں نے ایک وہ سیاسی بتنگڑ بنا دیا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. وہ صرف ایک وہ ایشو کھڑا کر دیا اس کا کہ جی فلاں ہمارا مشہرہ ڈوب جائے گا یا سندھ کو نقصان ہو جائے گا. حالانکہ وہ انجینئر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, بڑے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہر چیز سمجھائی, ایک ایک پوائنٹ سمجھایا کہ کسی شہر کو ڈوبنے کا کوئی چانس نہیں ہے بالکل. اس کے باوجود انہوں نے اس کا لیول اوریجنل ڈیزائن سے 5-6 فٹ نیچے کر دیا بند کا, کہ چلو یاد آ کر آپ کو خطرہ ہے ہم بند تھوڑا نیچے کر دیتے ہیں, پانی پیچھے نہیں چھٹے گا. حالانکہ وہ ایسی کوئی بات نہیں اس میں, اور وہ اتنا زبردست منصوبہ تھا, اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں ہماری اب متفق ہیں کہ جی نہیں بنانا اس کو. کچھ مسئلے تن چپ ہیں, کچھ جو ہے وہ ویسی وہ ویسی گنگا پرساد ساتھ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم کیوں بولے اس مسئلے میں, ہمارے ووٹ ناکام ہو جائے گی. حالانکہ یہ بڑا ایک بڑا سینسٹیو ایشو تھا, ورلڈ بینک نے اس کو قرار دیا تھا کہ جی آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ. اچھا بجلی کا مسئلہ آپ نے بتایا, بجلی کا بتا دیا آپ نے. ہاں بجلی کا وہی کارپوریٹ منصوبہ آپ کے پاس. اچھا آپ کے پاس نہ ہائیڈل کی ضرورت ہے, نہ آپ کو فرنس کی ضرورت ہے, نہ آپ کو گیس کی لگانے کی ضرورت ہے. اس میں کون سا کمیشن ہے, اس میں بھی ہے کچھ؟ بالکل ہے اس میں, وہاں جا کے دیکھے نا. اچھا یہ بتائیے کہ گیس ہم پیدا کرتے ہیں ہمارے ہاں گیس کی, وہ ہم یہ بھی سوچتے رہے ہیں کہ گیس ہم نے پائپ لائن کے ذریعے دینی ہے دوسروں کو, تو یہ گیس جو باہر بھی ہم دے سکتے ہیں یہ ہمارے ہاں کیوں ہے؟ ہفتہ اتوار کیا ہوتا ہے, جمعہ ہفتہ اتوار, شہر میں ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے, لوگ کھجل خراب ہوتے ہیں, بسیں بند, ٹیکسیز کے کرائے بڑھ جاتے ہیں, یہ کیوں ہے؟ اس پہ آپ آج تو خبری سنا دی انہوں نے 50% مہنگی کرنے کی گیس اگلے مہینے سے, یہ بھی سن لیں نئی بات ہے, گیس بھی مہنگی, سی این جی بھی مہنگی. اب اس میں آپ کا جو ہے نا اس کا مسئلہ بجلی کا, وہ آپ نے بہت مہنگے داموں پہ آئی پی پیز لگا دیے, رینٹل پروجیکٹس لگا دیے. اب اگر آپ یہاں تک اپنے ملک میں ہر کول سے 1.5-2 روپے یونٹ پیدا کر لیں تو وہ تو مارے گئے سارے, جنہوں نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. جب وہ مارے گئے وہ پھر ہمیں خریدتے ہیں کہ یار میرا منصوبہ جا رہا ہے, تو یہ پکڑو پیسے اس کو سب کر دو یہاں پہ. تو ہم تو اس قسم میں انتہائی ملک بیچنے والے مشہور ہیں, ہمارے بہت سارے لوگ وہ پیسے لے لیے وہاں سے, ان کو اب جو منصوبہ ہے جو کام کرنے والا اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا, اپنا کما رہے ہیں اور تڑا دھڑ وہ ریٹ بڑھا رہے ہیں, اور وہ جو ریٹ بڑھتے ہیں وہ عوام کی جیب سے نکلتا ہے جا کے. پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف آپ کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے جناب اتنا لون لینا ہے, اس کی اتنی انسٹالمنٹ ہے, وہ انسٹالمنٹ پھر ہم دیتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھا کے, گیس بھی بڑھا کے, بجلی کے بڑھا کے, اور وہ روز عوام جو ہے وہ اس میں کریش ہو رہی ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا, صرف آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کہ میں نے یہ تھر کول کا منصوبہ چلانا ہے,
میں نے یہ ڈیم بنانا ہے, میں نے یہ گیس کا سورس نکالنا ہے, میں نے یہ ویل نکالنا ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو چند دنوں میں یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ پیسے لے کے ہو جائیں گے. آپ کا مطلب یہ ساری مسائل مصنوعی قلت ہے, سب کچھ موجود ہے اس کے اندر, کچھ لوگوں کے چیز کی شارٹیج نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات وابستہ ہیں, اور ان کے لیے وہ زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ سفر کر. آپ ڈیم بنائیں, آپ جب ڈیم بنیں گے خود بخود آپ کی زمینیں خراب ہوں گی. بہت زمینیں خراب ہوں گی تو خراب کھلی ملے گی, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بہت شکریہ ہمارے پاس, پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو جی. ٹاک شو پروگرام ڈاکٹر ابرار عمر کے ساتھ, دیکھتے ہیں جی کون ہمارے ساتھ موجود. ہیلو 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 جی, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون سا؟ بالکل میں بھی محمد اٹک سے. کیا نام آپ کا؟ محمد یوسف اٹک سے. جی محمد یوسف جی, بات یہ ہے کہ ہمیں اب ڈیمو کی ضرورت ہے, ڈیم بنانے کی. اس سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. کہاں بنائے ڈیم؟ یہ کالا باغ ڈیم والے ڈیم, کالا باغ ڈیم بنائیں. اچھا, یہ تو پانی کا حل آپ نے کہا, ڈیم بنائیں جی. اور یہ جو مہنگائی ہے, اتنی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہیں, اس کے لیے کون سا ڈیم بنائیں؟ زراعت کو بہتر کریں. اچھا, تو بجلی اور گیس کا کیا کریں؟ گیس بہت ہے ہمارے پاس, کام کرے تو. کام کرے تو کیا مطلب, کام کیسے؟ گیس نکالنے کا کام سندھ میں گیس بہت ہے سندھ میں. نہیں تو گیس ہے ہمارے پاس, تو کیسے نکالنا ہے اس کو؟ جی مشین لینی پڑے گی ہمیں. مشینیں کہاں سے لیں آپ, بناتے ہیں مشینیں؟ جی ہم تو نہیں بناتے. کہاں سے لیں؟ گورنمنٹ خریدے گا, کام پڑے گا. بجلی کا کیا کریں, بجلی کہاں سے پیدا کریں؟ بجلی ڈیم بنے گا, بنے گی ڈیم سے. جی ڈیم سے بنے گی. اچھی بات ہے. اور میرا بھائی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ساری ٹیم کو السلام علیکم. آپ بہت شکریہ ہمارے بھائی, بہت شکریہ. وعلیکم السلام جی. یہ ہمارے معصوم بھائی, پیارے پیارے بھائی اور ہمارے کالرز جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, اور ہر کوئی اپنی علم اور نالج کے تحت بات کرتا ہے. لیکن دیکھیں, بات سب کو پتا ہے کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس, خدا کا دیا سب کچھ. بندوں کا چھینا جو ہے وہ بہت کچھ ہے, وہ بھی سب کچھ, وہ بھی بہت کچھ ہے. اور جو بچ گیا ہے وہ کم ہے. یعنی خدا کا دیا بھی بہت کچھ ہے, بندوں کا چھینا بھی بہت کچھ ہے, اور جو رہ گیا ہے وہ بہت کم ہے. جناب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ہلو جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب کیسا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ٹھاک سر. جی سر, میں ذرا جیلم بلبل کلاں سے ٹائر محبوب بول رہا ہوں. بلبل کلاں؟ جی جی. آپ نے اپنا تخلص بلبل تو نہیں رکھا ہوا؟ جی کیوں نہیں, یہ ہمارا گاؤں ہے جی. بلبل کلاں جی جی. یہ کہاں کا, جیلم کا شہر؟ سوہاوا سے چکوار روڈ پر آتا ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, سوہاوا سے چکوار روڈ. جی سر. یہ لہڑی شہری تو نہیں آپ کے قریب؟ لہڑی تو ادھر دور ہے جی, وہ تو ہے نا دینا کے پاس ہے نا. اچھا چلے, اچھی بات ہے. تو آپ بلبل کلاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی. آپ کا پروگرام ذرا اچھا لگا تو میں نے کہا کہ میں بھی تھوڑی سی. آپ کی عنایت ہے, آپ نے ہمیں پروگرام میں ہمارے شامل ہوئے ہیں. آپ کہیے کیا کہیں گے آپ؟ جی سر, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو معاشرے کی بےقاعدگیاں ہیں نا, یہ مہنگائی کو مزید یعنی کہ مہنگا کر دیتی ہے. واہ واہ, کیا اچھا. جی جی. تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو حکومت ہے, آپ کہو گے کہ یہ حکومت پر وزن ڈالا جاتا ہے. ہاں جی. حکومت جو ہے اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کسی پر. اب دیکھو نا, ایک گیس ہم 1500 روپے کا سلینڈر لیتے ہیں, تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا یہ پیچھے سے کتنے کا آتا ہے. اور دوسرا, جب ہم کوئی سبزی خریدتے ہیں وہ 60-70 روپے کلو خریدتے ہیں, اس کا بھی ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی میٹر ریڈر یعنی کہ میٹر چیک کر کے چلا جاتا ہے, اور ہمیں کوئی پتا نہیں کہ ہمارے میٹر میں کتنی یونٹیں ہیں دبی ہوئی مہینے کی, اور کتنی یونٹیں ہماری طرف لکھ دی گئی ہیں. صحیح. یعنی کم ہی لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے کہ کتنی یونٹیں چلی ہے یا کتنی نہیں چلی. تو جب ہم لوگوں کو کوئی پتا بھی چل جاتا ہے کہ یونٹیں کتنی چلی ہیں, تو ہم لوگ اس دفتر میں جانے سے اکتا جاتے ہیں کہ یار ادھر ہماری کوئی سنے گا ہی نہیں. تو اگر ہماری کوئی سنے
तो फिर तो हम उधर दफ्तर में भी जाएं तो जब हम हमारी कोई सुनता ही नहीं है तो हमें उधर से भी खाद बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि किसी अनपढ़ को निकाला जाता है कि ये जानता ही कुछ नहीं है। तो इसलिए अवाम पे बस है, जो हमारे मुआशरे के पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये चाहिए, हुकूमत के नुमाइंदा हैं, वो हर चीज पर चेक एंड बैलेंस रखें और हर चीज का एक रेट जो है वो मुतय्यन कर, वो मुकर्रर करें और फिर लोगों के सामने वो चीज मार्केट में लाई जाए। जो चीज उससे ऊपर जो आदमी दाम लेगा उसके खिलाफ कोई केस कोई जुर्माना करना चाहिए, ताकि उसको भी पता चले कि यार ये ऊपर लगाऊंगा तो मुझे सजा हो जाएगी और इससे नीचे भी नहीं जाए और उसके ऊपर भी नहीं जाए, तो फिर तो कोई महंगाई नहीं है। अब 30 रुपए की चीज 30 रुपए में बिकती है तो आवाम को कुछ पता ही नहीं है, तो फिर हम लोग महंगाई का ही रोना रोते रहेंगे और इसके अलावा सर क्या होगा। सही कह रहे हैं आपकी, अच्छी बातें सुनी, बहुत शुक्रिया का आप हमारे प्रोग्राम में। बड़ी नवाजिश, मैं आपका प्रोग्राम जब भी होता है ना तो मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश होती है, मैं भी मौसीकी से बड़ी मुझे दिलचस्पी है। क्या अच्छा, तो डॉक्टर साहब को भी बड़ी दिलचस्पी है। डॉक्टर क्या बात है, आप कुछ बजाते भी हैं हारमोनियम? जी मैं बजाता हूँ जी, थोड़ा बहुत बजाता हूँ। तो राग वगैरह भी कुछ राग हेमन दरबारी? पलटे जो होते हैं ना, पलटे यानी कि सारे दासा पानी सानी रे दासा सारे दासा, समझ गया। लेकिन साथ आप उसको राग भी कुछ बजाते हैं? नहीं, राग बजाना बड़ी मुश्किल हो जाती है, हर आदमी का काम नहीं होता ये। तो आप जैसे राग भोपाली है सारे का पदासा एक कण सीखने में तकरीबन कोई 10-12 वर्ष लग जाते हैं, तब जाके वो जबानी याद होता है। बात तो ऐसी, तो ये उस्तादों का काम है, ये हर आदमी का काम नहीं, घुराने के शास्त्री लोग होते हैं, आम आदमी वो बस बारी हो जाता है। कभी आप हमारे प्रोग्राम में रात को, जुमे की रात में प्रोग्राम करता हूँ जी, जुमे की रात 12 से 3 जी जी, तो उसमें आके आप कभी सुनाएंगे हमें गजल, ठीक है? तो इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो इधर ये होता है ना कि जब आपका प्रोग्राम होता है ना तो बड़े बड़े रेगुलर कॉलर होते हैं और वो 10-15 मिनट अपना ओपिनियन बयान करते रहते हैं। और नहीं नहीं, हम उनसे बात ज्यादा नहीं, रेगुलर कोई नहीं है, आप भी हमारे लिए मोहतरम है। आपने जुमे की रात 12 से 3 के दरमियान प्रोग्राम में कॉल करना है जी। जी मैं जरूर इंशाल्लाह। फिर हारमोनियम पर कुछ गाने भी आप गा लेते हैं ना बजा के? जी मेरे पास तो फिलहाल हारमोनियम नहीं है। नहीं, अभी आज नहीं, आज नहीं भाई, उसी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत। मैं तो इतना सुना सकता हूँ कि ये मालकोस चंद्र कोस राग भैरव भर ये बोला। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे सुनेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। टॉक शो प्रोग्राम और बात हो रही थी बिजली की, गैस की और पानी की और खाने की कमी की। ये जितनी चीजें हैं इनसे हम सब चीजों से कितने घबराए हुए और तंग आए हुए लोग हैं और कितनी मुश्किल में फंसे हुए और फंसाए गए लोग हैं। 111111100 पे देखते हैं कौन हमारे साथ हैं और वो क्या कंट्रीब्यूट करता है हमारी गुफ्तगु। हेलो, देखते हैं जी कौन हमारे साथ है। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद भट वाकर से कर रहा हूँ सर। जनाब अरशद साहब, सर आज आपने बहुत ही कॉमन सा एक टॉपिक चुना है और ये समझता हूँ हर गरीब मेहनत कर तबके की, जो गरीब, अच्छा गरीब ही नहीं, बहुत ही एक गिना चुना तबका है जो जिसके ये मसाइल नहीं है। बाकी जो है मेजॉरिटी वो इस मसले का शिकार है। तो क्या आप मुत्तफिक हैं कि ये मसनूई किल्लत है सारी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर, इससे जो अवानों में बैठे हैं उनके लिए मसाइल नहीं है। हाँ यही बात, अवानों से जो बाहर है उनके लिए बहुत। हाँ तो फिर मेजॉरिटी के मसाइल ही हुए ना। अच्छा, तो बात यह है कि ये एक पहले जब तक कोल्ड वार खत्म नहीं हुई थी तो पाकिस्तान में हर किस्म की तहकीक का काम हो रहा था। सही, गैस भी तलाश हो रही थी और तेल भी तलाश हो रहा था, डैम भी बन रहे थे। ये जितने प्रोजेक्ट बने हैं वो सब कोल्ड वार के हद तक बने हैं, क्योंकि ये बदकिस्मती से वो कोल्ड वार के खात्मे के बाद अब वो पाकिस्तान को एक फलता फूलता जो है ना साजिशी मुल्क, साम्राज्य मुल्क वो नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि ये जो हमें आसानियां जो सहूलतें मुयस्सर हैं ये भी हमसे छीन ली जाए। ये सोची समझी स्कीम के तहत हमें डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। अगर उन्हें पता चल जाता है कि पाकिस्तान मसलन ये या एटमी तरक्की का जो प्रोग्राम है, अगर पाकिस्तान कोल्ड वार के बाद शुरू करता तो शायद हम इसकी बूंद बूंद को तरस रहे होते। सही। ये तफाक ये मनसूबा भी उसी दौरान शुरू किया गया जब दोनों ताकतों के दरमियान एक चपकलच कायम थी, तो इसका हम फायदा उठा गए, हम एटमी ताकत बन गए
लेकिन एटमी ताकत बन तो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उसके स्विच बटन हमारे पास नहीं रहे, वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन वो सूरत हाल कुछ ऐसी पैदा कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी शाहिद साहब जो बात कर रहे थे, मैं अच्छा ये बताइए, आप अक्सर अपनी गुफ्तगू में अच्छी बात है कि आप करते हैं कैपिटल सोसाइटी और साम्राज्य जो है ना उसको आप करते हैं तनकीद का निशाना बनाते हैं। जी। ये जो कैपिटल कंट्रीज हैं, क्या उनके अंदर भी विद इन कंट्रीज भी ये मसाइल तो नहीं है? नहीं, उन्होंने कैसे अपनी डेमोक्रेसी से अपने आप को स्टेबल रखा हुआ है? उनके अंदर भी मसाइल हैं, लेकिन वो हमारी तरह के नहीं है। तो फिर उन्होंने अपने रिसोर्सेज में ज्यादती करके और उनको बेहतर बना के अपनी डेमोक्रेसी से क्या अपने सिस्टम को बेहतर नहीं बना लिया? बना लिया, बिल्कुल सही है। तो फिर हम, लेकिन सर उनकी जो तरक्की का राज है वो उनके मुआशी सिस्टम की वजह से नहीं है। आज से 200 साल कबल जो उन्होंने नौबादियाती निजाम कायम किया और यहाँ से लूट खसूट के नतीजे में उनके पास जो बुनियादी सरमाया इकट्ठा हो गया, उसकी बिना पर वो मजीद अब तरक्की करते जा रहे हैं। जैसे कि एक आदमी किसी को रिश्वत से या अचानक कोई कर लिया, लेकिन ये बताइए कि विद इन कंट्रीज उनका जो सिस्टम है वो उनके अपने शहरियों के लिए का मुफीद है ना कि नहीं है? अब तक तो ठीक है, मुफीद है। अच्छा, कैपिटलिज्म के मुकाबले में हम कौन सा निजाम, अच्छा हमें एक निजाम नजर आ रहा है जो कि सोशलिज्म का था, जो चाइना में पार्टली मौजूद है, जर्मनी में दीवारें बर्लिन भी गिर गई, चाइना में भी आपको पता है जमहूरियत की और वेस्टर्नाइजेशन की मूवमेंट चल रही है, उनके नौजवान भी, रशिया वैसे ब्रेक हो गया, तो हमारे पास फिर कैपिटल, क्योंकि अक्सर आपकी गुफ्तगू में होता है, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे कि कैपिटल सोसाइटी ये उनके खिलाफ तो हम बात करते हैं, लेकिन उन्होंने सरमायादारों ने अपने लिए, मतलब अमेरिका को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, आप उनके स्कैंडिनेविया और यूरोपियन सारे कंट्रीज को, उन्होंने अपनी इकोनॉमी तो काफी बेहतर बनाई है, तो वो इकोनॉमी उन्होंने इंडस्ट्रीज भी, उनकी एग्रीकल्चर, उनकी हर चीज बेहतर हो गई है। सही। तो ठीक है, उन्होंने किसी जमाने में हमें लूटा, अब तो हम इतने भूखे हैं, हमें वो उधार पैसे भी देते हैं सर। जी, जी। और हमारी मदद भी कर देते हैं कि जब हमें नींद नहीं आ रही होती तो बेड भी दे देते हैं सोने के लिए। जी, जी। और हमें, हमारे हाथ भी हमने फैलाए हुए हैं। तो फिर ये क्या असल माजरा क्या? एक कमर्शियल ब्रेक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, होल्ड कीजिएगा जरा। जनाब, हाँ जी, तो बात यह है कि वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, जी जी, उन्होंने तो तरक्की की है वो तीसरी दुनिया की लूट खसूट से की है, अब उन्होंने अपने पांव पर वो खड़े हो गए और इस बिना पर अब भी जो उनकी तरक्की का राज है वो तीसरी दुनिया की लूट खसूट पर बेस करता है। बेशक हम सियासी तौर पर आजाद हो गए, लेकिन ये WTO और दूसरे ऐसे जो हमें तजारत का हक नहीं, वो हम हमारे ऊपर शर्तें लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, जिसकी बिना पर अभी भी हम उनसे बहुत बिछड़े हुए हैं। और बात यह है कि सरमायादाराना निजाम के मुकाबले में जो है एक प्लैंड इकोनॉमी के तहत हम तरक्की कर सकते हैं, जिसको आप सोशलिस्ट सिस्टम कह रहे हैं, उसके मद्दे मुकाबले इस्लामी निजाम को ले लीजिए, वो दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। इस्लाम का और सोशलिज्म का मुश्तरका एक अकीदा है कि दुनिया में जो बुराइयां हैं उस वजह से पैदा होती हैं जब तबकाती तफरीक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब तक तो इन दोनों सिस्टम, लेकिन एक बात है ना कि इस्लाम का थोड़ा सा ये भी है कि इस्लाम में जो बंदा मेहनत करता है, जी जी, या अपने कारोबार को चमकाता है, उसको अमीर होने का मौका मिल जाता है। लेकिन सोशलिज्म जो है वो ये कहता है कि जो ही वो थोड़ा सा अमीर उसको छीन लो, सोशलिज्म कहता है कि सबको बांटो और सबको इक्वल तकसीम कर दो। असल में पता क्या था सर, ये जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है ना, इस्लाम हो या सोशलिज्म हो, उसके अंदर इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा फराहम किया जाता है। ठीक हो गया। जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, ये कोई निजी मिल्कियत नहीं होती। वहां तक तो ठीक है, लेकिन निजी मिल्कियत जहां पे आ जाती है, सोशलिज्म तो उसको बहुत डिस्करेज करता है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो वो तो हत्तुलम कहां हद तक करता है, वो तो कहता है कि जो बड़ी इमलाक है वो स्टेट की अपनी है। तो इस्लाम थोड़ा सा यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो जाता है ना। अच्छा ठीक है, वो बात यह कि हजरत तो उस्मान उस जमाने में अमीर तरीन हस्ती थी। जी बिल्कुल, ये एक मिसाल। जब वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए तो उनके बाद उनकी हैसियत ये रही कि उन्होंने सारी दौलत इस्लाम के काज के लिए लुटा दी। सही। वो इतने अमीर नहीं रहे जितने पहले थे। हजरत अबू ज़ग़फ़ारी की जिंदगी आप पढ़ के देख लीजिए, उनको तो बल्कि यानी सोशलिस्ट लोग उनका हवाला देते हैं कि वो इस्लाम के पहले सोशलिस्ट सहाबी थे जो कि निजी मिल्कियत के बड़े सख्त खिलाफ थे। सही। और वो एक टाइम की खाते थे, उन्हें दूसरे टाइम की परवाह नहीं। सही। चलें, इस पे बड़ी लंबी कभी बहस करेंगे हम। अभी हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो होना चाहिए कि कौन सा निजाम पाकिस्तान में आ सकता है, जो कि इस पे बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है। और आपका एक थीसिस है, आपकी अपनी रिसर्च है, मैं समझता हूँ कि आप अपनी दलील से बात करते हैं, लेकिन ये बताइए अभी जो
ہمارے ہاں الیکٹریسٹی گیس اور واٹر اور فوڈ اور یہ بحران ہے, اس کی وجہ مین کیا ہے, ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ ہاں وہ ابھی جو شاہد صاحب جو بات کر رہے تھے نا, جہاں کوئی منصوبہ کھلنے لگتا ہے تو وہاں پہ ہم رشوت لے کے وہ دبا دیتے ہیں, ایسی ہرگز بات نہیں ہے. اب تک جتنے منصوبے جو اب اگر ایسی بات ہوتی تو سوئی گیس کا منصوبہ بھی ناکام ہو جاتا, تربیلا ڈیم بھی نہ بنتا, اور جتنے ذخائر پہ ہم نے جو پتہ لگایا یا تھر کے جو کول پروجیکٹ ہے وہ بھی ڈسکور نہ ہو پاتے. آفٹر آل یہ بھی تو کسی منصوبے کے تحت ہی ڈسکور ہوئے. جی جی. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے منصوبے طے پا چکے ہیں وہ خوش قسمتی سے اس وقت دنیا میں دو طاقتوں کا ٹکراؤ تھا, اور وہ اس رکاوٹ میں ہمیں موقع مل گیا کہ اگر ہمیں امریکہ نہیں دیتا تھا اور ہم روس سے وہ چیز حاصل کر لیتے تھے. مثلا تیل کی استلاش میں ہمیں امریکن کمپنیاں بہت مہنگی پڑتی تھی, اس طرح ہم چائنا کی طرف ابھی جو جھکاؤ ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس وقت جتنی روسی کمپنیاں یہاں تیل کی تلاش کرتی تھی, اٹک آئل ریفائنری اور اٹک کے علاقے میں جتنی زیادہ وہ ایکسپلوریشن ہوئی ہے روسی کمپنی کی بدولت ہوئی ہے. وجہ یہ کہ وہ بہت سستے پیمنٹ پہ نا یہ کام کرتی تھی, اور امریکہ سے ہم اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم, کیونکہ ان کے چارجز بہت زیادہ ہوتے تھے. جی جی. اور جتنی ایکسپلوریشن ہوئی ہے اس فیلڈ میں وہ زیادہ تر روسی اور چینی کمپنیوں کے تعاون سے ہوئی ہے. تو اب یہ ہے کہ سوچی سمجھی. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ جب ہمارے ہاں جمہوری نظام سو کال جب پٹڑی پہ چلتا ہے تو ایک ڈکٹیٹر آ کے براجمان ہو جاتا ہے. وہ ڈکٹیٹر اپنی مرضی سے نہیں آتا, وہ عالمی سامراج کے کچھ ایجنڈے پورے کرنے کے لیے آتا ہے. مثلا ہمارا پاکستان جو ہے ایسا انرجی کوریڈور پہ واقع ہے کہ جس پہ عالمی طاقتوں کی بہت گہری نظر ہے, اور یہ ایک سیاسی کوریڈور پر بھی واقع ہے. ہمیشہ جب کبھی دو طاقتوں کی رقابت رہی ہے تو پاکستان ہی کو نشانہ بننا پڑتا ہے. جی جی. خواہ وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, خواہ وہ عراق کا مسئلہ ہو یا افغانستان کا مسئلہ ہو, تو وہ ایک پہلے سوچے سمجھے منصوبے مطابق اشارہ دے دیتے ہیں کسی ڈکٹیٹر کو کہ آ جائیے بھائی, اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہمارے ایجنڈے پر عمل کرنا ہے. آپ بھاڑ میں جائیں پاکستان میں انرجی کے کیا مسائل ہیں یا گیس کے کیا مسائل ہیں. وہ چنانچہ 10 سال لگا دیتا ہے ان کے ایجنڈے کو فلفل کرنے میں, جس طرح وہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اور اب تو یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جن چیزوں سے ہم جو اسائشی جو ہم اویل کر رہے تھے ان کو بھی سوچے سمجھے منصوبے سے محروم ہو رہے ہیں. بڑی بات کی. اب ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل قریب میں کوئی نیا منصوبہ پروان چڑھنے کی کوئی ایسے چانسز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کیا ڈراسٹک چینج کیا ہے, کیا چینج آ سکتی ہے, کیا ہمیں کیا چینج لانی پڑے گی فوری. ہاں پورے قوم کو ایک دھارے میں پرونا ہوگا, جو ہماری ایک نیشنل سوچ تھی نا جیسے چینی قوم کی ہے. جب تک ہمیں باندھ دیا گیا ہم بہت سے مذہبی تعصبات میں ہیں, قومیاتی تعصبات میں بٹ گئے ہیں اور ہمیں آپس میں توڑا جا رہا ہے. جب تک وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جب تک وہ ایک دھارے میں نہ بہ جائیں, ان کی نیشنل سوچ نہ بن جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں وہ سسٹم رائج نہ ہو جو کوئی پلانڈ اکانومی کا سسٹم کہتے ہیں. بہت شکریہ. جیسے کہ یہ بڑے روس چین امریکہ سوری اسکینڈینیویا ممالک ہیں نا, ان میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ پلانڈ اکانومی کے تحت ہوتی ہے. صحیح. تو پلاننگ کا تو ستیہ ناش کیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے سر اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. ٹاک شو پروگرام آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر ابرار عمر کے ساتھ ایف ایم پاکستان کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے, اور اس وقت ہم آپ کو ایک اپڈیٹ لینے کے لیے اور لے کے جا رہے ہیں ایک میٹرو اسلام آباد کیش اینڈ کیری, جہاں پہ میٹرو کی سالگرہ ہے. اور میٹرو کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے, اٹس اے بگ ڈپارٹمنٹل اسٹور جہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. وہاں پہ ڈاکٹر مسعود کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہاں پہ کوئی فیشن شو ہو رہا ہے. مسعود کیانی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ what is going on over there. میٹرو کی سالگرہ ہے, برتھ ڈے ہے, اور یہ میٹرو کیش اینڈ کیری اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں ڈاکٹر مسعود کیانی سے. ہلو. ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. جی بہت سے شکر سر, میں موجود ہوں یہاں پہ میٹرو کیش اینڈ کیری اسلام آباد میں. اٹس ویری نائس ماحولس, بڑا کلاسک یہاں پہ ایک سیٹ اپ ہے, اور خاص طور پہ یہاں پہ جو فیشن فیسٹیول جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے. اور اس وقت میں سر موجود ہیں ایک طرف لینڈ, اور ہم ان سے جانیں گے کہ آج جو میٹرو کیش اینڈ کیری کی 5ویں اینیورسری ہے, اس کے بارے میں بتائیں گے ہمیں کہ کیسا ایونٹ یہاں پہ رہا, اور جو اس سے پہلے پریویس باقی جگہ پہ ایونٹس رہے ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں گی, اور نیکسٹ آگے کیا پلان ہے اس کے بارے میں ہم ان سے جانیں گے. تو تھوڑا سا لینڈ ہیئر ود اس. جی, آئی ایم دا ریپرزینٹیٹیو آف میٹرو کیش اینڈ کیری پاکستان. آئی ایم دا پبلک ریلیشنز مینیجر.
और यहाँ पे इतना फाइव ईयर सेलिब्रेशन सेलिब्रेट की जा रही है लटकपुर इस्लामाबाद में। पांच साल मुकम्मल होने पे हैं, अपने कस्टमर्स के साथ उसको बड़े हंडे गुंडे के साथ मना रहे हैं एक्चुअली। और आप जो देख सकते हैं एम्बियंस रेट हुआ है, म्यूजिक चल रहा है, लोग जैसे पड़ोसों को मौजूद है, स्पेशली मैं बोलता हूँ तो यूथ हमारी बहुत ज्यादा जो है वो चीज को इन्जॉय कर रही है। एज लॉन्ग एज हम मेल समझ रहे थे कि किसी तरफ मेल कॉम्पोनेंट इसको इन्जॉय करेगा, बट आप फीमेल की भी बड़ी तादाद और फैमिली की बड़ी तादाद यहाँ पे देख रहे हैं टाइम पे। इस फेस्टिवल के लिए हमने सिर्फ फेस्टिवल अरेंज नहीं किया हुआ, हमारा एक और भी ऑफर चल रहा है इस टाइम पे। तो फिर फूड को आप यहाँ पे आए खरीदारी करें, 8,000 और या उसके ऊपर के वाउचर के ऊपर जो है आपको दिया जाएगा पूरी फैमिली के लिए फ्री मील आउटफिट, जो हमारे पानी के लिए दूसरे अरेंजमेंट हुआ हुआ है। यू कैन एंजॉय दैट एज वेल। उसके साथ सेपरेटर ऑफर्स लगी हुई है, हमारी स्पेशल प्राइसेस चल रही है, जो डिस्काउंटेड है, लॉन फेस्टिवल चल रहे हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कैथरीन कैरी वेरी नाइस गिविंग सर्विस टू द पीपल, ये फरमाइए कि आगे क्या प्लान है, कैथरीन कैरी क्या करने जा रही है। कैशन कैरी भी इस टाइम पे सस्ता बात से हुआ ही है, जहाँ पे किसी तरह का एक अलग अलग का माहौल क्रिएट हो चुका है। इस्लामाबाद के बाद हम जाएंगे अफराती को, उसके बाद जाएंगे फिर हम लाहौर डिफेंस पांचवी को, उसके बाद 10 मई को ड्राइव चुनाव होगा हमारा लॉर्डो को सोच। तो इस ट्रैवलिंग रोड शो जो हम सोचते पांचवी में हमारे सारे सोच से कैसे जो किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, इट्स वेरी नाइस। एंड लिसनर्स, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे बहुत वाकई अलग होता है और वैसे मूड तो बनता है जब म्यूजिक चलो, सो ड्यू पीपल डू एंजॉय। और इस हवाले से मजीद हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ रहिए, कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया, मसूद कियानी हमारे साथ थे और ये मेट्रो की पांचवी सालगिरह थी और वहाँ पे जो इवेंट्स इस वक्त हो रहे हैं उसके बारे में बता रहे थे। मेट्रो कैश एंड कैरी इस्लामाबाद I-10 में है और आप लोग मेट्रो से खूब वाकिफ हैं और यकीनन बहुत सारे लोग वहाँ पे शॉपिंग के लिए जो हमारी इस्तेमाल की चीजें उसके लिए जाते हैं और हर तरह की चीजें वहाँ पे अवेलेबल हैं। डॉक्टर प्रोग्राम सुन रहे हैं डॉक्टर अब्रार उमर के साथ एफएम पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से 111111100। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं डॉक्टर अब्रार उमर के साथ एफएम पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से 111111100। देखते हैं जी कौन हमारे साथ है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इलियास वफा डॉक्टर बात कर रहा हूँ। जनाब इलियास वफा साहब, सर कैसे हैं, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ सर, माशाल्लाह आज टॉपिक तो बड़ा जो है दिल की भड़ास निकालने वाला आपने रखा है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मैं तो उधार कार्ड लेके आया हूँ आपसे बात करने के लिए। सही सर, बात आपने की ये जो क्राइसिस चल रहे हैं आजकल हमारे, जी ठीक है, कोई क्राइसिस नहीं है। जो अभी जो थोड़ी देर पहले मेरे भाईजान ने आगे फरमाया था कि ये सिर्फ मसनूई किल्लत, और आपने फरमाया कि सिर्फ ये मसनूई किल्लत पैदा की गई है कि तरह तरह के हम पे टैक्सों का बोझ डाला जाए, ठीक है, जो अमीर ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो अपनी तिजोरियां भरे, ठीक है। और मुझे ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, और ये जो भी हुक्मरान है मेरा उनसे सवाल है कि मुझे ये बता दें कि जिनका बैंक बैलेंस अकाउंट जायदादें गैर पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है, वो उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? और ये सबसे ज्यादा कसूर हुक्मरानों का नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों का नहीं है, सबसे ज्यादा कसूर है हमारी आवाम का, ये हमारी जो सोई अवाम है, इनसे मैं अपील करता हूँ खुदा अपने हक का इस्तेमाल करना सीखे। जब ये वोट हम लोगों के पास मांगने आते हैं तो उनसे पूछो क्या आप मुस्तकबिल में हमारे लिए क्या करोगे, क्या करोगे, क्या कर सकते हो, ठीक है। अजमाए हुए को अजमाना, वो कहते हैं कोले अजमाए हुए को अजमाना जहालत है। मुझे दुख है इस कौम की हालत पे, मुझे दुख है इस कौम की हालत पे कि बार बार उन्हीं लोगों को मुंतखब करते हैं जो लुटेरे हैं, जो डाकू हैं, जो चोर हैं। ये तो है। अब देखिए, अब गैस है अमीर, अब जो ना बड़े तबके पे आ जाए, ठीक है, गरीब प्रॉब्लम होती है गरीब की, अमीर के लिए क्या प्रॉब्लम है? जिनका बैंक बैलेंस अरबों खरबों करोड़ों में, उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनको तो सिर्फ यही नींद नहीं आती, गरीब बंदा तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके सो जाता है, उनको तो नींद भी नहीं आती, फला करोड़ फला बैंक में पड़े हैं, फला करोड़ फला बैंक में, फला बैंक से इतना कर्जा लिया था, वो फ्रॉड कैसे करना है, ये जो ना इतने अरब फला फैक्ट्री पे लगाए थे लेकिन वो बंद करके इतना खरबों रुपए मुंतकिल कैसे करना है? तो मैं ये मेन वजह ये जो करप्शन है इसको जड़ से निकालना चाहिए, बड़ी ये माशरे का सबसे बड़ा नसूर करप्शन है। जी जी। और इस जो ना ये मेरा जो ना जब तक इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा कोई भी मसला हल हो ही नहीं सकता।
अब मैं आप मुझे बताएं, ठीक है, मेरा आपसे सवाल है कि एक फुटपाथ पे सोता है बंदा, ठीक है, या कोई गरीब तबका है, ठीक है, अब जो बंदा हुक्मरान जो अपनी ब्लूटूथ गाड़ी में बैठ के आगे 15 गाड़ियां पीछे 15 गाड़ियां, उसको क्या पता कि किस घर में फाते हो रहे हैं, उसको क्या पता कि आज जो ना किस घर में जनाजा उठा है भूख और अफलास की वजह से, उसको क्या पता, उसको तो अपना अपने इर्द गिर्द ये जो उलझनों में उलझाए रखते हैं, ये जो पूरी एक फौज इन्होंने तैयार की हुई है, बेजा अखराजात फजूल खर्चे जो कर रहे हैं, ओ खुदा के बंदो, कोई खुदा का रहम करो, कोई खुदा का खौफ करो, एक ना एक दिन तुमने मरना है और कब्र के गड़े में उतरना है, तुम्हें जरा सा सिकंदर आजम पूरी हुकूमत करने वाला इतना बड़ा बादशाह जब वो गया तो क्या करके गया, वो कहते हैं कि फिर मुझे याद आ गया कि अजल ने छोड़ा किसरा ना दारा, उसी से सिकंदर का फाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही घाट सारा, तो लेके क्या क्या ना हसरत सुधारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, और खुदा के बंदो इस अवाम पे रहम करो, क्यों कि यहाँ पे तो तुम्हारी जो ना अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाओ, अब किसी थाने में चले जाते हैं, ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी थाने में जाता हूँ, मेरे को सुनता नहीं है वहाँ पे, वही सफेद पोश आता है, जी सर बैठे यहाँ पे, ये करें वो करें, ये क्या है, ये क्या कल्चर है, क्या है ये सिस्टम, क्या है, जब तक गरीब इंसान को इंसाफ मुहैया नहीं होगा, फराहम नहीं होगा, ये हमारी सारी परेशानियां किसी सूरत में दूर नहीं हो सकती। मेरा सवाल आवाम से, हुक्मरान तो चलो रह गए, उनसे तो जमीर ही सोए ना, उनको तो आप छोड़ दें, जब ये मेरा आवाम से कि खुदारा आजमाए को बार बार आजमाया नहीं करो, जहालत है ये, उसको आंखें खोलो और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और देखो हमारी तारीख पढ़ो कि मुसलमानों ने किस तरह दुनिया पर हुकूमत की है, उनके क्या उसूल थे और किस तरह उन्होंने हमारे खुल्फाए राशिदीन की जिंदगी से सफर ले लो यार, जिंदगी से सबक सीख लो कुछ कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, और जो ना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको रात को नींद नहीं आती थी कि यार अगर जो ना कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो मुझसे उसकी भी पूछ होगी, तो ये लोग को खुदा का खौफ नहीं है, ये आखिरत को भूल गए, ये क्राइसिस बेरोजगारी, अब देखें आप सुबह फुटपाथों पे, ये तो 11 बजे सो के उठते हैं, ये तो शहाना जिंदगी है इनकी, जो सुबह फुटपाथों पे और जो चौकों में जो मजदूर बैठे होते हैं और गाड़ियों को कितनी हसरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरा दिल जलता है, मेरा खून जलता है ये सब कुछ देख के, और अगर कोई इनसे सवाल करे जाके हैं आगे से तंग करते, अब उनको इनकी पहुंच ही बहुत दूर है, इनकी पहुंच से ही बहुत दूर है कि आया कि हम आला हुक्मरान तक अपनी कोई बात बचाए, अगर आपकी मेहरबानी आपने प्लेटफॉर्म मुहैया किया, मैं काफी अच्छे से मैं देख रहा था। अच्छा ओके, अब ये बताइए गैस बिजली का बहरान जो है ये मसनूई है या ये है वाकई? सर ये जो बहरान है, ठीक है, ये कोई बहरान नहीं, अब आप देखें सोचें, अब सामने अल्लाह तबारक व तआला की कौन सी चीजें जो इस मुल्क में नहीं है, ठीक है, हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, सिर्फ हमसे गलती ये हो गई कि हमने बंदे पहचानने में गलती कर ली, और इसमें कसूर उनका भी है और हम अवामरी अवाम का भी है, कम से कम सोच समझ के तो वोट दो, ठीक है, क्राइसिस सिर्फ नाम की क्राइसिस है, कोई क्राइसिस नहीं है, ठीक है, अभी जब बजट आता है उससे पहले आप देखें अभी पेट्रोल गायब हो गया मार्केटों में, वो लंबी लंबी लाइनें लगी, कल मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा रही हूँ, कह रहा नहीं है, मैंने कहा क्यों नहीं है, कह रहा नहीं है बस, क्या करें, अब गैस लेने जाने जुमा जो ना हफ्ते में 3 दिन गैस बंद कर रहे हैं, वो खुदा के बंदो जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए उसको इस्तेमाल तो करो, अब अल्लाह ताला ऊपर से आगे नीचे तुम लोगों को नहीं कहेगा, यहाँ पे सोना पड़ा हुआ है, यहाँ पे उसने इशारे कर दिए, आपको जहन में आपके बात डाल दी, आपको अल्लाह ताला ने ऐसा जहन अता फरमाया कि आप अच्छे बुरे की फर्क कर सकते हो, तो फिर क्यों नहीं उन वसाइल को इस्तेमाल करते हो, अपने ये शहाना दोनों पे खर्चा कर सकते हो, तो इस तरफ नहीं आ सकते तुम लोग, 2-2 लाख रुपए का सूट पहन सकते हो, 5-5 लाख की घड़ी पहन सकते हो, 50-50 लाख के जूते पहन सकते हो। राइट, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, ओके, बात होगी, अल्लाह हाफिज। साक्ष्य प्रोग्राम डॉक्टर अब्रार उमर के साथ, और कहते हैं कि आवाज़ खल्क को नकारा एक खुदा समझो, तो आपने गुफ्तगू सुनी है भाई की, और भाई बड़े जज्बाती थे, आम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और आप ही उनके जज्बात को ट्रांसलेट कर सकते हैं. आपने सुना है और उनकी बातें सुनी हैं. क्या कह रहे थे वो, क्यों कह रहे थे और क्या वो ठीक कह रहे थे, आप सब लोग इसका डिसीजन करेंगे. टॉक शो प्रोग्राम डॉक्टर अब्रार उमर के साथ एफएम पाकिस्तान के सांबा स्टूडियो से 111 111 100 पे देखते कौन हमारे साथ है. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे जी, बात आप खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक ठाक. आप कौन बोल रहे हैं? मैं जीशान बात कर रहा हूँ. जी जीशान, आपका प्रोग्राम सुन रहा था मैं काफी देर से. और भाई एक आए थे माशाल्लाह से, उन्होंने बहुत जबरदस्त बातें की हैं. सही. और भाई ये कहना चाहता हूँ, छोटा सा एक आपसे कुछ उनकी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ. जी प्लीज. कहते हैं जब भेड़े आपके फोन को प्रॉब्लम हुआ कुछ. हेलो, जुबान बाहर निकाले. जी हेलो, दोबारा बात शुरू करें. मैं ये कहता हूँ कि जब भेड़े जो सफर पर निकलती है ना, तो सबसे जो कमजोर और बीमार और जहीद भेड़ होती है ना, वो सबसे पीछे होती है. सही. जुबान उसकी बाहर निकली और आस्ता आस्ता सफर में ना वो उनके पास उनके पीछे पीछे चलती रहती है. खुदा ना खास्ता अगर सामने से जो है कोई आफत आ जाए, रास्ता बंद हो जाए ना, तो वो यफत में हमला कर दे जानवर, तो वो वापस सारी पूरा जो उनका गला होता है ना वापस पलटती है. सही. और वो पीछे वाली सही भेड़ जो होती है, जो सबसे पीछे चलती होती है, वो आगे नीरे कार वहां बन जाती है. क्या बात. ठीक है. और बाकी जो पीछे भेड़े होती है वो सारी की सारी जो है ना उसको लीडर मान के ना सर झुकाया आस्ता आस्ता जो है वो उसके पीछे चलती रहती है. मुझे इस बारे में खबर नहीं है वैसे, कौन सा आजाद जो आया है हमारे ऊपर, इस तरह का कौन सी वो हमला आया है जो 20 करोड़ आवाम जो है वो अपना रेवड़ जो है उतरा है और उन्होंने अपना रुख जो है वो पलट दिया है. मैं कहता हूँ कि जहनी तौर पे लंगड़े लुल्ले जो लोग हैं. हेलो. जी जी बिल्कुल, आपकी बातें बहुत अच्छे सुन रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं आप. जी उनके जो लैले मतलब जो जहनी तौर पे लूले लंगड़े लोग हैं उनको जो अमीर कारवां बन गए हैं, वरना मतलब हमारे में कोई कमी नहीं थी लोगों की. हाँ. यहाँ पर आप देख लें, कायद आजम थे, लीडर थे हमारे, उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रगल की. जब वो इंग्लिश में बात करते थे, उर्दू में बात जो लोग उर्दू भी नहीं समझते थे वो लोग, हर बंदा उसकी गवाही देता था कि ये बंदा दुनिया का सबसे बड़ा सच बोल रहा है. सही. और आप लियाकत अली खान साहब को ले लें, जब जो लखतबाग में मरे थे तो उनके जेब में जो है वो चंद रुपए थे और उनकी जो बनैन थी वो फटी हुई थी. आप गुलाम उमन साहब को देख लें, जिन पर तमाम तर गैर शुमारी रवैयों के बावजूद कोई शख्स बेमानी या कुंजैली का तसाइल का इल्जाम नहीं लगा सकता. क्या अच्छा बोल रहे हैं. वाह वाह. मैं ये कहता हूँ कि आप मोहम्मद अली बोगरा को देख लें, वजारत उज़्मा हाथ से निकली तो दोबारा सफारत कबूल करने मतलब एक मिनट ना लगा. और आप अब्दुल रशीद निस्तर थे, उनको देख लें जिनके बच्चे जो हैं वो गवर्नर हाउस से पैदल स्कूल जाते थे. आप जो हैं वो सिकंदर मिर्जा को देख लें, जिनकी आखिरी उम्र में एक होटल में मामूली सी मतलब लंदन में एक होटल जो था उसमें मुलाजमत जो थी वो मामूली सी थी. आप अयूब खान को देख लें, कहते हैं कि सदर हाउस के एक एक रुपए का हिसाब रखते थे वो. और आप जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उनको देख लें, वो कहते हैं कि मतलब सारी बातें डिफरेंट होने के बावजूद वो जहानत मताले और खिताबत में अपना जवाब तो नहीं रखते थे. जयाउल हक थे, जिनके बारे में कहते हैं वो बुरदबारी परहेजगारी और मेहमान नवाजी की तो गुआई उनकी सारे लोग देते हैं. मतलब इस तरह का सिलसिला है और ये हम लोग सोए हुए हैं. और मतलब यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं थी, एक नस्ल पीछे चले जाए, मगर अब ये सिचुएशन क्या चल रही है. आप ऐसे लोगों में नजर दुराए ना, जितने भी लोग हैं उसके अलावा बेशुमार लोग थे, उनकी जो जरफ था, जहानत थी, उनकी मेहनत थी, ईमानदारी थी, उसकी मसालें उन्होंने नहीं छोड़ी. मतलब उनको अब उन्होंने उसके बाद फिर ये देखें आप आज का दौर देखें आप. अच्छा एक एक छोटा सा ब्रेक है टाइम का, फिर बात करते हैं आपसे. जनाब जीशान सर. जी सर. तो क्या हुआ, ये आपने इतना बात की कुछ लोगों को, आपने पाकिस्तान की जो इमीडिएट तारीख है
उसमें आपने कुछ पॉजिटिव पहलू बताए, उससे इख्तलाफ भी हो सकता है लोगों को, लेकिन चलें अब आप नाम ना लीजिएगा। अब ये बताइए कि ये कब से, ये जो क्राइसिस है कब से डेवलप हुआ है और इसकी क्या वजह है? देखिए वो वजूहत हैं, मैं अब क्या मतलब आप आज के दौर की अगर आप बात करें तो ऐसा जो है वो कोई इदारा नहीं जिस पर एतमाद किया जा सके, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी बात जो है वो अंधेरे में किरण की तरह चमके, कोई लीडर नहीं है जिससे हाथ मिलाया जा सके। बस क्या कहते हैं आप निशान, क्या करते हैं आप खुद? मैं बिजनेस करता हूँ। बहुत अच्छी आपने बातें की, एक तो आप पर बड़े नजर आए मुझे ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तान की शुरू की तारीख के बारे में, लोगों की उनके हवाले से भी वैसे तहफ़ुज़ात हैं, लेकिन आपने कहा कि एक हद तक वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे थे, फिर आपका मतलब है अचानक कोई शिफ्ट हुआ है, कोई ड्रिफ्ट तो आप नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि शिफ्ट हुआ है अचानक, कि अचानक ही सब कुछ खराब हो गया? सही बात है जी, वो भेड़ों वाली मिसाल मैंने आपको शुरू में दी थी ना। हाँ जी, कोई अजाब आया है, कोई ऐसी बात हुई है हमसे और जिसकी वजह से जो है वो सारे के सारे गैस और बिजली ये सब कुछ अजाब है या ये खुद साख्ता अजाब है? ये भी मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैं बाहर नाव में बैठा हूँ और यहाँ पर मच्छर भी है, लाइट गई हुई है, ठीक है, और अभी वो भाई की बातें सुन रहा था तो मैंने कहा चले मैं भी कॉल कर लेता हूँ। हर बंदा जो है वो मतलब किसी न किसी टेंशन के अंदर है और मतलब तीन तीन चार चार घंटे लाइट ना होना ये कितने बड़े आजाद की बात है, ऊपर से देखें गर्मी की क्या पोजीशन है, तो डिप्रेशन हो जाती है बंदे को। आपने एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म दिया है जिससे मैं कहता हूँ कि हमारे बड़े जो हैं वो सुने इन चीजों को और हमारे लिए सोचें, कुछ लोग आगे आए और जो सिलसिला ऐसा होना चाहिए कि कम से कम इस तरह के क्राइसिस जो है उनसे निकला जा सके। हमारे मुल्क में आप देख लें किसी की कमी नहीं थी, मगर ये मेरा तो ख्याल है कि ये क्राइसिस बनाए जा रहे हैं लोगों को जो है वो उनके हालात पे किसी बस्ती के इसी तरह ये पड़े रहे और इनके जो मामला हैं इस तरह चलते रहे और ये सारा एक ड्रामा ही चल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया जीशान साहब, बहुत शुक्रिया जी, हाफिज जी। प्रोग्राम डॉक्टर अब्रार उमर के साथ एफएम पाकिस्तान के इस्लाम आबाद स्टूडियो से 111111100 देखते हैं जी कौन हुआ चाहता है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर साहब राजा अंसर बात है, अर्ज कर रहा हूँ जनाब अंसर साहब जी। डॉक्टर साहब मेरी पहली तो ये दुआ है, सबसे पहले तो मैं ये जिद के तौर पर मेरे अल्फाज जो भी है, चाहे मुझे अभी मौत आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे हाथ में अल्लाह को कुरान उसमें लिखा हुआ है, मेरे हाथ में पकड़ा है, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जिल्लत और रसवाई से पहले अगर मेरी जान या मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज जो है वो मुझसे मुसलमान के लिए काम आ जाए तो उसके बाद बेशक मुझे अल्लाह ताला उठा ले। जी क्या जज्बा है आपका? हाँ बहुत, मेरे भाई आया शेख साहब ने बहुत अच्छा बोला, सिर्फ भट्ट साहब ने, लेकिन मैं ये कहता कि ये जो मेरा भाई है मेरे हाथ में कहा आया था ना, ये क्योंकि मेरे अपने तबके से है, गरीब है और इसके अंदर जो जज्बा है वो उसकी बातों से है यहाँ का, तो दरअसल बात ये नहीं है, अभी मेरे हाथ में चीज पड़ी है, लही सा दिन इंसान माता ये कुछ नहीं है, मगर वो जिसकी इसने सही किया है लिखा हुआ है कि जो ममलिकत है उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान चुने हैं या तुमने चुने तो उनको ये जरूरी है लाजिम है कि वो वसाइल और जराए जो हैं अपनी आवाम के लिए पैदा करें। सही कहा, तो जब तक अदल इंसाफ यहां पर लिखा हुआ अदल नहीं करेगा तो हम उसको जो है गड़े में जान देंगे। सबसे पहली शर्त यहां पर यह है कि उसका मालदार होना जरूरी नहीं है, कुरान हदीस बयान करती है किसका
यहाँ पे सबसे बड़ा मीडिया बड़ा चौधरी हो गुजरात का, मेरे गांव का बड़ा राजा हो प्रेसिडेंट कश्मीर का बन सकता है, बड़े से बड़ा सीवी हो किसी भी इलाके का रहने वाला कोई बंदा हो, गरीब बंदा कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना इंसाफ पसंद क्यों ना हो, इंसाफ करने वाला क्यों ना हो, उसको कभी भी आगे आने नहीं दिया जाता, दोनों को आगे लाया जाता है। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। मेरे भाई ने जैसे कहा है कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने तीन नियम से आका की है, तीन नियम से आका की है कि मैं अभी भी आपको बता सकती हूँ। अच्छा ठीक, बातें करें लेकिन बातों का रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, गैस और पानी से भी तो डालें। इन बातों में थोड़ी सी बिजली जो कि नहीं है, थोड़ी सी गैस जो कि नहीं है, पानी जो थोड़ा बहुत मौजूद है और खाना पीना जो इधर उधर से बचा बुचा है वो भी तो इन बातों में डालो। ये देखें पानी की बात आ गई, क्या साहब ने कहा था मेरे पास वैसे मैं अगर मैं कहूँगा बिजली डालो तो आप कहेंगे बिजली है ही नहीं तो डालूं कैसे। मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं लेकिन चूंकि हम इंफरादी तौर पर जमाबंदी में लगे हुए हैं, हमने इस मेले के साथ इस्लाम के साथ इंसाफ नहीं करना। अदरवाइज जैसे शायद साहब ने कहा था, मेरे भाई ने भी कहा, आज इस मुल्क में सारी चीजें मौजूद हैं, आप इनको निकालें। ये जो अल्लाह ताला ने सजाने दबाए हुए ना, अल्लाह ताला कहते हैं इनको निकालो, ये सखर के रोका है आपको। हम साहब बोल रहे हैं, हम कहते हैं मेरे घर में आ जाए चाहे डॉलर की होना भाई आ जाए, तो उनकी ताकतें कहती है तुमने कुछ नहीं निकालना यहाँ अपने मुल्क से, हम तुम्हें एक बंदे को देंगे, तमाम बंदों को महकूम रसुआ करो तुम, ये उसी पर अमल कर रहा है। जैसा शाह साहब ने कहा था, ये कश्मीर में देखे अभी बंगलियाज डैम, दूसरे डैम, तीसरे डैम, वो आपने पढ़ा है, आपको पता है कि जंगे पानी भी होंगी। आज हमने जो हमारे वसायल जो थे उनको दिए कार नहीं ला रहे, हम अपनी कोठियों में अपनी कारों में लगे हुए हैं, अपने बंगले कहां तब करेंगे हम, बड़े से बड़े ये भी आपके यहाँ जो होटल बांध रहा है इससे हम बात कर रहे थे अपने घर में, तो हम कह रहे थे तो इससे भी नहीं होटल अबूल किया जा सकता अल्लाह की ताकत से, तो वो बंदा क्या कहेगा, मैं किस मान में रहूँ, अगर मैं झोंपड़े में राजा अंसर रहता फुटपाथ पे सोता है तो मैंने भी अल्लाह के यहाँ आना है, मैंने भी कब्र में जाना है, मेरे साथ भी कुछ नहीं जाएगा और बड़े से बड़ा मालदार जो है। लेकिन एक चीज जो है वो इंसाफ, इंसाफ किसने करना है, मेरे हुक्मरान ने, या जैसे शाह साहब ने कहा था कि वो जो चीजें इतना पहले अर्शद साहब ने भी कहा था कि जो काम हो रहा था जिस पे सर्क चू जा रही थी उसको तो बंद कर दिया गया है। हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं जो इन चीजों पर दस्तरस हासिल है, उनको आगे नहीं आने दे रहे। अभी देखें आप केनू ने हमारे लिए क्या किया जी, वो मेहनत करते रेंटल पावर, रेंटल पावर लोग जो मुझे सुन रहे हैं गांव के रहने वाले, ये कहते हैं किराए की मशीन जब लो तो फिर भी 1 करोड़ या 20 करोड़ या 50 करोड़ रुपया कमीशन, जब करोड़ हो दूसरी चीज जाएगी इसमें से 10-20, नुकसान किसका, गरीब आवाम का, एक बंदे का फायदा, पूरी गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे डैम, बड़े डैम तो छोड़े, बड़े डैम तो वाले से पता तक गया है कि चाइना में बड़ा डैम टूटा, बड़े नुकसान का, छोटे छोटे डैम तैयार करें, आपके यहाँ बिजली बिजली है, यहाँ कचरा हुआ कर बंदा जिसने गवर्नमेंट को कहा था कि मैं बिजली पैदा करके देता हूँ, आज आप खानपुर की तरफ जाए उसने जनरेटर लगा के वहां बिजली पैदा की है, काफी सप्लाई कर रहा है, लेकिन उससे इसका फायदा नहीं किया। चाइना ने आपको कहा हम सस्ती बिजली दे रहे हैं और वे उससे ले लें अपनी जमीने कास्ट करें, बड़े नहरी हमारे पास रकबे पड़े हुए हैं, उनका आबाद करें, लोगों को टीवी लगा के दें, देखे लाल हाथे खेत होंगे, फिर यहाँ हम किसी के रसुआ होंगे, यहाँ किसी कशकोल लेके जाएंगे, लेकिन ये कशकोल हमारे लिए नहीं लेके जाते हैं, ये कशकोल अपने लिए लेके जाते हैं। हमने तो कशकोल आज से 100 साल पहले, मेरे बाप दादा ने तो 80-90 साल पहले तोड़ दिया था अंग्रेज को, जब मेरे वाल ने कहा था कि अंग्रेज मैं तेरी नौकरी नहीं करता हूँ, मेरा वालिद 1942 में उसने अंग्रेज के मुंह से मारा था कि मैं तेरी गुलामी में नहीं रहना चाहता हूँ, और उसका बेटा राजा अंसर की गुलामी में नहीं रहेगा। सिर्फ ये चीज है कि अपने हुक्मरानों को लिखाता है कि खुदारा खुदारा अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को मानो, ताहूती ताकतों के चंगल से निकलो। ताहूत कहते हैं जो अपनी हदों के आस करता है, अपने हिस्से से ज्यादा तजावत करता है। अभी मेरे सामने किताब पढ़ी है दिए इस्लामिया, जो उन लोगों ने लिखी है तो उन्होंने झूठ नहीं लिखा, कुरान हदीस से साबित किया गया। ये तो ताहूती ताकतें जो है जब तक हमारे लोगों को चंगल में लिए रखेंगे, ये एक जत्था है। आप देखिए अपने मुल्क के बहुत से लोग हैं, आज हमें यादारात और गिलाद में आता है कि हमारे मुल्क के इतने बड़े राय फैमिली के खानदान हैं, उनको कभी गोलियों में लगा दिया जाता है, हमें पता नहीं होता, उनको पता है कि फलाह खानदान फलाह जगह पे आबाद है, अलग इंसाफ करने वाला नहीं होता। आज कोई भी बंदा एक इंसाफ करने वाला हो, एक बंदा छान ले, प्राइम मिनिस्टर छान ले, प्रेसिडेंट छान ले,
کوئی ایک بلا کھان دے ہمارا آدمی چیز کھان دے کہے میں نے اللہ اور اللہ کے نبی کے واسطے اس ملک اور اس قوم کے ساتھ انصاف کرنا ہے ہم نے خود اس زمین کو کھود کے نکالنا سب کچھ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا کرم کرے گا میرے اللہ نے جو پاکستان کی سرزمین پہ اتنا کچھ رکھا ہے کہ کسی اور جگہ پہ انڈیا میں جائیں وہ محتاج جو سعودی عرب میں جائیں آپ سعودی میں جائیں وہاں پہ جا رہا تھا کھیت جو لوگ لگاتے ہیں ان کو پوری گورنمنٹ پوری سپورٹ کرتی ہے آپ کہتے ہیں کھیت آباد کرو لیکن ہمارے یہاں پہ دیکھیں مجھے یاد کرتا ہے ایک مرتبہ جو ہمارا منصوبہ بندی کا منسٹر تھا گورنمنٹ کا رہنے والا میں ان کو خاندان پورے کو جانتا ہوں اس نے کہا کہ زمین پہ یہ بندے زیادہ تھے اور بھائی تیرے جنم کا اتنا رقبہ جائے ان سے لے کے اور تیرے گھن تک خالی پڑا جائے بندی کو تم کیسے مارے گا بندی کا تو اللہ تعالیٰ نے میری بات سنو آپ کا مطلب ہے کہ بجلی گیس پانی کا بحران جو ہے مصنوعی ہے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے اپنے کھانے کے لیے اور ہمیں محکوم رکھنے کے لیے تاغوتی طاقتوں کے چنگل میں یہ ہم غریب لوگوں کو تاغوتی طاقتیں آ کے آپ کو کیا کہہ رہی ہیں کہ گیس پانی بجلی نہ پیدا کرو اس میں تو پھر ہمارے لوکل لوگوں کا کسی کا قصور ہوگا تاغوتی کا طاقتیں اصل میں آپ کی بات کو مجھے یہ بتاؤ نا یہاں پہ آ کے براک اوباما تو نہیں کھڑا ہوا کہ پانی جو ہے نا ڈیم سے نہیں نکالنے دوں گا یا ہم کسی کنویں سے بالٹی سے پانی نکال رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں نہیں آپ کا مطلب یہاں کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے یہاں ہمارے حکمران ہمارے لوگ سارے ٹھیک ہیں نہیں کم ٹھیک ہے میں یہی کہہ رہا ہوں یہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں ان کے اپنے مال و متاع اتنا جمع غریب عوام یہ انہیں کے کہنے پہ چل رہے ہیں سارا کچھ ابھی آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں میری بات سنیں ابھی ایک کالر ہمارے آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو تاغوتی طاقتیں آپ کہتے ہیں سپر پاورز جو بھی ہے یہ کہ سپر پاور ہے اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کیا پالیسیز ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ہاں ترقیاتی کام نہیں کرتے اور سارا خرچہ ساری توجہ ادھر دے دیتے ہیں شاید آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی توجہ اپنے عوام پہ نہیں ہے بلکہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں جو وہ چاہتے ہیں ان کی جنگ ہم لڑنے مصروف ہیں اور اپنی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے جیسا وہ یہ چاہتے ہیں میں آپ کے قطع کلامی معاف وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ملک کے جتنے وسائل ہیں خزانے چھپے ہوئے ان کو نہ ہلائے صرف ہماری طرف ہاتھ پھیلاتے رہیں گے محکوم رہیں گے دبے رہیں گے میرے بھائی نے کہا تھا نا ایسا بھائی جاتا اس وقت میں اپنے بھائی آپ کا آپ سے کہتا کروں ہماری قوم آج بھی کہتی ہے بھوکے گزارا کر لیں گے کچھ کول کو توڑو ایٹم بم بن گیا لوگوں نے کہا تھا آپ کو پکا ہے راجان سر بہت شکریہ آپ کی بات ہو گئی اب مزید ہم بات نہیں کر سکیں گے تو بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ ٹاک شو پروگرام ڈاکٹر ابرار عمر کے ساتھ ایف ایم پاکستان کے سامبر اسٹوڈیو سے 111111100 ہمارے ساتھ موجود ہیں کون موجود ہیں بات کرتے ہیں ہلو جی کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم زبیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی وعلیکم السلام جی زبیر صاحب ابھی تک جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں بڑی پیاری باتیں ہوئی ہیں اور سب فیصد درست ہے لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو ہم غصہ نکال رہے ہیں کھائی کو نکال رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہم بہروں کو سنا رہے ہیں جو میرا مقصد ہے وہی سرمایہ دار ہو جاگیردار ہو جو ہمارے حکمران ہیں وہ کہاں یہ باتیں سنیں گے ان کو سب کچھ پتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں اور ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں انرجی بھی ہے کوئی کرائسس نہیں ہے یہ سارا جو آرٹیفیشل کرائسس ہے خوراک بھی ہمارے پاس ہے پانی بھی ہے اور ہمارے پاس معدنیات بھی ہے یہ نکال نہیں رہے کیوں نکال نہیں رہے ان کے اپنے مفادات ہیں ظاہر ہے یہ ہم نے ہی ان کو نکلوانا ہے اب اس طرح نکلوانا ہے اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے اس ریجیم کو چینج کرنا ہے بلکہ اس سسٹم کو چینج کرنا ہے جو اقبال نے فرمایا تھا کہ بندے مزدور کو جا کر میرا پیغام دے خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات ایک ہی تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہی لگر شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات اور یہ ایک شعر ہے کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات مزدور جو ہے وہ تو مات کھا گیا ہے وہ تو بیچارہ پریشان ہے مہنگائی کے ہاتھوں وہ جو سفر ہو رہا ہے تو اس نے اس سرمایہ دار کے ہاتھ سے اب یہ ساری چیزیں جو ہے چھینی ہیں ادر وائز جو ہے وہ اس طرح رونا روتا رہے گا مہنگائی کا بھی اور بجلی کا بھی اور ساری چیزوں کا تو یہ کہ اس کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھانا پڑے گا اور میرے خیال میں اب وقت نہیں رہا بہت کم وقت ہے اور اب بھی اگر ہم نے اسی طرح باتیں کی ٹاک شوز میں اور کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا
تو بہت مشکل ہے کہ یہ جو ہے سرمایہ داری نظام اور یہ جس کی وجہ سے ہم سفر ہو رہے ہیں یہ ختم ہو سکے گا. اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. تو اب جو بندہ مومن ہے، جو مسلمانان پاکستان ہیں، ان کا دین جو یہی سرمایہ داری ہی بن گیا ہے. اور اقبال پھر فرماتے ہیں کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. تو یہ جو ہے ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے کہ یہ بادشاہوں کی نہیں ہے، یہ جو ہمارے جاگیردار ہیں ان کی زمینیں نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. اور اللہ کی زمین ظاہر اللہ کی مخلوق میں ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے تاکہ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا سکے. جو بھی مہنگائی ہے، جو بھی مسائل ہے، جو بھی کرائسز ہیں، یہ ختم ہو سکے تبھی ہی ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، ہمیں باتوں سے بڑھ کر عمل کی طرف آنا ہوگا، ادروائز جو ہے حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے گئے. بہت شکریہ بھائی کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جناب زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے اچھے ہمارے لوگ آئے، کالرز آئے، ان پروگرام کو کافی گرمایا بھی اور بڑی لاجیکل باتیں بھی کہیں، اور ان کی باتوں سے ہی انفرنس نکالیے آپ. اور مکالمہ ہونا چاہیے، خاموشی باہر حل نہیں ہے. اور آپ کو درد بھی ہو تو آپ کو چیخنا چاہیے، اگر آپ چیخ بھی دبا دیں گے تو اس کا مطلب آپ مردہ ہیں. زندہ اور مردہ قوم میں فرق ہونا چاہیے. مردہ تو قوم ہی نہیں ہوتی، میرا مطلب ہے زندہ اور مردہ میں فرق ہونا چاہیے. سو ابھی ہم زندہ ہیں اور ابھی جان باقی ہے، اور بقول فیض کے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. آج کے پروگرام سے ڈاکٹر ابرار عمر کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو.